टोटल ऑब्जेक्टिव के तादाद रहता है 30, 30 में से आपको बनाना है 25 का जवाब, उसके अलावा जो है आपका सब्जेक्टिव रहता है 50 मार्क्स का, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं शुरू शुरू हम लोग। सवाल नंबर एक है आपके पास, सवाल नंबर एक है भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 1953, 1955, 1956 और 1954। याद रखेंगे सभी बच्चे 1956 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश होती है, ठीक है। कब पैदाइश होती है? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर की क्या होती है? पैदाइश होती है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल आता है सवाल नंबर दो आपके पास, ध्यान से देखें सभी बच्चे। भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए, किस ओहदे पर जो है जॉब कर रहे थे और किस ओहदे से ये रिटायरमेंट हुए, ठीक है। ये चीज आपको बताना है फटाफट से, आप लोगों को अगर जवाब आता है तो जवाब देंगे। इसका सही आंसर होगा आपका मेजर, ठीक है। मेजर के ओहदे पर, इसी ओहदे पर ये जो है इसी पद पर ये जॉब किया करते थे, फिर इससे रिटायर हुए। मैं आपको बता दूं आपका जो है क्लास 10th का मुकम्मल तैयारी कराया जाएगा इसी चैनल के एक आपको ऐप मिलेगा AS उर्दू एजुकेशन नाम से, जो चैनल का नाम है, जो चैनल का लोगो है, उसी सेम टाइप से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा AS उर्दू एजुकेशन नाम से। आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप क्लास 10th की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से क्लास 10th को पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही इंस्टॉल कीजिए। जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करने में किसी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 950 और 821 47 और 60। इस नंबर पे आप लोग रابطہ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन बना सकते हैं। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है ऐप पे, चाहे क्लास 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, सभी बच्चों के लिए जो है कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आता है आपके पास सवाल नंबर 3, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है, देखेंगे ऑप्शन आपके पास सियासी, तनकीदी, इस्लाही और समाजी। याद रखें अदब की पहचान जो है यह एक तनकीदी मजमून है, क्योंकि अब्दुल मुगनी यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अदब के बारे में पूरी तनकीद किए हैं, बताए हैं अदब को किस दायरे में रखनी चाहिए, किस तरह से बड़ों का अदब करना चाहिए, यानी अदब पे ही तनकीद किया है। इसी वजह से ये मजमून जो है ये एक तनकीदी मजमून है। आपको पता होनी चाहिए मजमून की बेसिक तौर पर चार किस्म होती हैं। एक होती है आपका तनकीदी मजमून, जरीफाना मजमून, इल्मी मजमून और एक होता है इंशाइया, जिसको हम लोग पर्सनल इसे कहते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे ये चारों मजमून में, तो इस्लाही मजमून कोई मजमून का नाम नहीं होता है, सियासी मजमून इसका भी कोई नाम नहीं है, समाजी मजमून इसका भी कोई नाम नहीं है। तो बहरहाल आपको पता चल चुका है कि तनकीदी मजमून यह एक जो है मजमून है, तनकीदी मजमून। इसलिए अदब की पहचान जो जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी, और यह एक तनकीदी मजमून है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके पर आपके तरफ बढ़ते हैं। आप लोग याद रखें मजमून किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं, हिंदी में इसी चीज को निबंध कहते हैं। मजमून यानी किसी खास टॉपिक या फिर किसी खास चीज पर जो तहरीर कलमबंदी की जाती है उसको मजमून कहते हैं। जैसे ईद पर लिख सकते हैं, दशहरा पर लिख सकते हैं, दुर्गा पूजा पे लिख सकते हैं, मुहर्रम पे लिख सकते हैं, या फिर किसी के ऊपर मजमून लिख सकते हैं। जैसे अदब की पहचान पर ही मजमून लिख दिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी, तो इस तरह के क्या होता है मजमून होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 4, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जुबान के उस्ताद थे, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अंग्रेजी जुबान के उस्ताद थे, किस जुबान के उस्ताद थे, तो अंग्रेजी जुबान के उस्ताद थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 5 आपके पास, ध्यान से देखेंगे। भीमराव की मादरी जुबान क्या थी, मराठी, पंजाबी, हिंदी और गुजराती। तो भीमराव अंबेडकर की मादरी जुबान जो है ना ये मराठी थी, आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 6, नज्म बिजली का खंबा के नज्म निगार कौन है। देखिए चकबस, अल्लामा इकबाल, परवेज शाहिदी, निदा फाजली। तो नज्म बिजली का खंबा के मुसन्निफ का नाम है निदा फाजली। क्या नाम है? निदा फाजली, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आता है, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए, दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ और कराची। याद रहे निदा फाजली की पैदाइश होती है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आता है आपके पास, ध्यान से फिर भी अच्छे देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, लफ्जों का पुल, क्या नाम है लफ्जों का पुल, किस शायर का शेरी मजमुआ है। लफ्जों का पुल और एक है
मोर नाच, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछ रखा है। निदा फाजली के दो शेरी मजमुआ का नाम बताइए, तो एक तो आप लोग यहां से याद कर सकते हैं लफ्जों का पुल, यानी लफ्जों का पूरा समझ लो पुल, जो पुल में आप लोग चलते हैं नदी पार करते हैं वही पुल, ठीक है। लफ्जों का, लफ्ज किसको कहते हैं, वर्ड, हिंदी में इसी को शब्द कहते हैं, लफ्जों का पुल। और दूसरा क्या है, मोर नाच, ठीक है, मोर नाच बिल्कुल आसान है, दोनों को आप लोग आसानी इजिली याद रख सकते हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ बेसिक तौर पर आपका सिर्फ मंथली एग्जाम में काम नहीं आएगा, मेंस एग्जाम में भी तो काम आएगा ना, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज कवर करते हुए। तो फाइनली इसका सही आंसर होगा परवेज शाहिदी, सॉरी निदा फाजली, लफ्जों का पुल। इसके मुसन्निफ कौन है, निदा फाजली है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चे दे रखे हैं बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 9, मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए, आगरा, दिल्ली, रामपुर और कलकत्ता। तो मिर्जा गालिब की पैदाइश होती है आगरा, जिस जहां पे इसका नानिहाल होता है, 1797 ईस्वी में आगरा में इनकी पैदाइश होती है, और फिर 1869 ईस्वी में इनकी जो है वफात दिल्ली में होती है, ठीक है। तो फाइनली हमको पूछ रखा है पैदाइश कहाँ हुई, तो आगरा में हुई थी 1797 ईस्वी में, नानिहाल में इनके नानी के यहाँ, ठीक है। अगला सवाल 10 नंबर पे, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कॉल किसका है, यानी ये कहना जो है किसका है, मोमिन का है, इब्राहिम जौक, मिर्जा गालिब या फिर मीर तकी मीर। तो मिर्जा गालिब का ही कॉल है ये, क्या है, मिर्जा गालिब का, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कॉल किसका है, मिर्जा गालिब का, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 11, इरफान सिद्दीकी कब और कहां पैदा हुए। तो इरफान सिद्दीकी जो है 1939 ईस्वी में बेदायों में पैदा हुई, इनकी पैदाइश कब होती है, 1939 ईस्वी में बेदायों में इनकी क्या होती है, पैदाइश होती है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। अगला सवाल 12 नंबर पे, मौलवी इकराम अहमद सिद्दीकी अपने ओहदे के सरसैयद समझे जाते थे। मौलवी इकराम अहमद सिद्दीकी जो है, मौलवी इकराम अहमद शाद भी कह सकते हैं, इसके साथ सिद्दीकी से पहले शाद लगा सकते हैं, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे यानी अपने पद के सर सैयद या फिर अपने जमाने के सर सैयद समझे जाते थे, वह इरफान सिद्दीकी के रिश्ते में क्या लगते थे। तो इरफान सिद्दीकी के रिश्ते में जो है वो दादा लगते थे, कौन लगते थे, दादा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 13 नंबर पे, कहानी वात्रक, कहानी जो है वात्रिक बोल सकते हैं या वात्रक भी बोल सकते हैं, ठीक है, कहानी वात्रक के किनारे में वात्रक क्या है। तो वात्रक जो है ना ये एक नदी का नाम है, किसका नाम है, तो नदी का नाम है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है 14 नंबर पे, लंगरा साधु नूल नौल का कौन था, ठीक है, याद रखिएगा नूल जो है ना एक लड़की का नाम होता है, और लड़की का शौहर जो है वो एक बहुत गांव के जो मुख्य इंसान होते हैं उसका मर्डर कर देते हैं, मर्डर करने के बाद क्या होता है, उसको केस होना है, मुकदमा होना है उसके ऊपर, तो होता क्या है कि उसका जो पीछा होता है तो ये क्या करते हैं, एक साधु के भेष में लंगड़ा टाइप से बन करके जो है डेली अपने पत्नी से मिलने के लिए आया करते हैं। इस वजह से याद रखेंगे कि लंगड़ा साधु जो बन के आया करते थे उसका पति, किसका पति, तो नूल का पति। तो याद रखिए लंगड़ा साधु कौन था, इसका शौहर था, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आपका रोशनी बुक से लिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन ये रोशनी बुक से लिया गया है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, और ये क्वेश्चन भी आपका रोशनी बुक से ही उठाया गया है, ये तीनों क्वेश्चन किससे उठाया गया, तो रोशनी बुक से उठाया गया है। मराठी जुबान किस सूबा में बोली जाती है, यानी कौन सा राज्य में मराठी जुबान बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी जुबान, ठीक है। अगला सवाल 16 नंबर पे, वालदा, वालदा का मतलब होता है माँ, माँ के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की, यानी इसके पालने पोसने की जिम्मेदारी किसने उठाई, किसने निभाई, दादी ने, नानी ने, चाची या फिर फूफी। तो फूफी ने उठाई थी, इनकी परवरिश किसने की थी, फूफी ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आता है 17 नंबर पे, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, डॉक्टर अब्दुल मोगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, आलिम हिद्दत, रिया, अदब की पहचान, इनमें से कोई नहीं, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, अदब की पहचान नाम से एक मजमून है जिस जो कि हमारे निसाब में शामिल है, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मोगनी का। अगला सवाल आता है 18 नंबर पे, उर्दू मुअल्ला, याद रखिएगा ये उर्दू मुअल्ला आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछता है कि गालिब के एक खतूत का मजमुआ का नाम लिखिए, तो आप लोग यहां से डायरेक्ट देख करके लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को लिखना नहीं आता है,
इसलिए आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए उर्दू ए मौला सब्जेक्टिव में आएगा आपका। गालिब के खतूत के मजमू का नाम लिखिए तो ये उर्दू ए मौला लिखिएगा, ठीक है। तो उर्दू ए मौला किसके खतूत का मजमू है, तो हम लोग पहले ही बता चुके मिर्जा गालिब, यहाँ पे थोड़ा सा मिट चुका है लेकिन आप लोग तो समझते ही होंगे, ठीक है। मिर्जा गालिब है यहाँ पे, ठीक है ना, मिर्जा गालिब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 19 है, गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम हैं। तो ये जो खतूत लिखे हैं सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम पर ये खतूत लिखे हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसी के नाम पर ये खतूत लिखे हैं। खत की जमा होती है खतूत, खत किसको कहते हैं, और दरख्वास्त खत, ये सब आप लोग तो जानते ही है ना। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली ने तालीम का मतलब होता है एजुकेशन, तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया, यानी कौन सा काम करने के लिए इख्तियार किया, तो सहाफत का काम करने के लिए इख्तियार किया था। सहाफत कहते हैं जर्नलिज्म, इसी को हम लोग हिंदी में पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में जर्नलिज्म, उर्दू में इसी को सहाफत कहते हैं, तो सहाफत का पेशा इख्तियार किया था। सवाल नंबर 22 है, लफ्ज है तीग, क्या है लफ्ज है तीग के क्या मानी है, परछी, तलवार, छुड़ी या फिर कैची। तो तीग का मतलब होता है सारम तेग भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, सारम हम लोग पढ़ते थे बचपन फसाल समिया में कि सारम तेग दो है तलवार, ठीक है। शम्स आफ्ताब सूरज बखान अख्तर सितारा सितारा जान, और इस तरह से कुछ अशआर था फारसी के उसमें हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो तीग के क्या मानी है, तो तीग के माने होते हैं तलवार, याद रखिएगा। शमशीर का मानी भी होता है तलवार, ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, मुतरादिफ में पूछा जाता है, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई, तो मिर्जा गालिब की वफात हुई है दिल्ली में 1869 ईस्वी में इनकी वफात हुई है दिल्ली में। अगला सवाल 23 नंबर पे, दर्ज़ैल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए, तादाद का मतलब होता है गिनती, ठीक है। तो देखिए बाग कोई गिनती नहीं है, बागीचा भी कोई गिनती नहीं है, बद भी कोई गिनती नहीं है, और 50 जो है ये आपका काउंट हो रहा है गिनती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। अगला सवाल आता है 24 नंबर पे, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है, यानी जमाना हाल से मुराद हुआ प्रेजेंट टेंस, मुस्तकबिल से मुराद हुआ फ्यूचर टेंस, यानी आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस पाया जाता है, वो आपका है मुजारा, फेले मुजारा में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है 25 नंबर पे, दर्ज जैल में याए मारूफ की पहचान कीजिए, याए मारूफ किसे कहते हैं, जो या खेच कर पढ़ी ना जाए, और जो या खेच कर पढ़ी जाए उसको याए मजहूल कहते हैं, याए मारूफ जो या खेच कर ना पढ़ी जाए। अगर हम लोग देखते हैं गरीब, यहाँ पे या खेच कर पढ़ी जा रही है, शेर यहाँ पे या खेच कर पढ़ी जा रही है, जेर यहाँ पे भी या खेच कर पढ़ी जा रही है, लेकिन देर जो है ना ये या जो है खेच कर नहीं पढ़ी जा रही है, इसलिए याए मारूफ आपका देर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन, दर्ज़ैल में फेल की निशानदेही कीजिए, तो फेल का मतलब होता है काम, ठीक है। तो देखिए पटना कोई काम नहीं है, तक कोई काम नहीं है, अहमद कोई काम नहीं है, लेकिन आएगा ये काम है, गा गेगी ये तो फ्यूचर टेंस में दर्शा रहा है, लेकिन आना क्या होता है, ये काम होता है, आना जाना खाना बैठना उठना पढ़ना, हालांकि ये मजदर होता है लेकिन मजदर से ही फेल का काम लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आएगा ये क्या हो जाएगा, आपका फेल का मिसाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल, जमाना की कितनी किस्म होती है, तो जमाना की टोटल 3 किस्म होती है, कौन कौन सी, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इसी को हम लोग माजी को पास्ट कहते हैं, हाल को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, मुस्तकबिल को हम लोग फ्यूचर कहते हैं, इसी को हम लोग टेंस कहते हैं, जमाने को टेंस कहते हैं। टेंस की 3 किस्में होती हैं, सभी बच्चों को लगभग में पता होनी चाहिए, पता नहीं पता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल 28 नंबर, दर्ज़ैल में फेले माजी शिक्या की पहचान कीजिए, फेले माजी शिक्या वैसे फेल को कहते हैं जहां पे शक पैदा हो, शक और शुबह पता चले, उसी को हम लोग फेले माजी शिक्या कहते हैं। ऑप्शन है तुम आते थे, तुम जाते हो, वह आया होगा, और मैं खाया। तो सही आंसर की अगर बात करें ना तो हो जाएगा आपका वह आया होगा, ठीक है, फेले माजी शिक्या ये वह आया होगा, क्योंकि यहाँ पे शक पैदा हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल आता है 29 नंबर पे, किल्लत की जिद क्या होगी, किल्लत का मतलब होता है कमी, किसी चीज की किल्लत हो जाना या फिर कमी हो जाना, ठीक है। अक्सरियत कसरत और कसरत खिदमत, याद रखिएगा किल्लत की ऑपोजिट उल्टा वर्ड जो होता है ना
ऑपोजिट वर्ड यानी इसका अज़दाद ये कसरत होता है, कसरत इसलिए क्योंकि कसरत का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में होना और किल्लत का मतलब होता है कम मात्रा में होना। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, दर्ज़ैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। ठीक है, क्या पूछ रखा है, दर्ज़ैल में कौन सा लफ्ज जो है आपका मुज़क्कर है, मुज़क्कर से मुराद पुरलिंग, पुरलिंग से मुराद आपका मेल जात। ठीक है, तो याद रखिए बोतल, प्यास, बारिश और बादल, बोतल टूट गई, इस तरह से हम लोग मुअन्नस के लफ्ज में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यास लगी है, बारिश हो रही है, पता ये चला कि बादल जो है ना गरज रहा है, ये मुज़क्कर लफ्ज है। ठीक है, इसको हम लोग मुज़क्कर के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। फाइनली हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया, पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए, कहीं पे छोटा तो नहीं है ना, वैसे 30 बनाने के लिए बोला है, 30 में 25 ही तो बनाना है, तो इतना में तो आप लोगों का हो ही जाएगा। बहरहाल हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 5 बनाने बोला है, 5 का ही हम लोग जवाब देंगे, यहाँ पे हो सके तो ज्यादा भी दे देंगे, दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा लखनऊ में जो है इनका क्या हुआ था, लखनऊ में इसका क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। ठीक है, लखनऊ में इंतकाल हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें कब हुआ था, तो 16 मार्च 2004 ईस्वी में, कब 2004 ईस्वी में जो है इनका वफात हुआ था लखनऊ में, याद रखिएगा। अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब के खतूत के किसी एक मजमू का नाम लिखिए, मैं आपको पहले ही पढ़ने बोला था, उर्दू में मुअल्ला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा मिर्ज़ा गालिब के खतूत के एक मजमू का नाम है उर्दू में मुअल्ला, उसके अलावा और एक होता है इसका खतूत का मजमू ओदे हिंदी। ठीक है, दोनों में से कोई आपको जो आसान लग रहा है लिख लीजिएगा। निदा फाजली के 2 शेरी मजमू का नाम लिखिए, मैं आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि याद कर लीजिए अच्छे से, एक बताया मोर नाच और एक ऑलरेडी पहले से था वहां पे, क्या नाम था, लफ्जों का पुल नाम से। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग लिख लीजिएगा। फिर है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया, मुलाजिमत का मतलब होता है जॉब। ठीक है, तो इसका अगर पता है दे दीजिएगा। भीमराव की शादी किस उम्र और किससे हुई, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, तो निर्वाण का तस्वुर होता है खुदा का इरफान, क्या होता है निर्वाण का मतलब होता है खुदा का जो है इरफान। ठीक है, इरफान याद रखिएगा आप लोग, खुदा का इरफान होता है बुद्ध मजहब में निर्वाण का मतलब। अगला सवाल है कहानी वितराग के किनारे में बुरिया नूल की कौन थी, तो आप लोग अगर कमी हो रही है तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका जवाब माँ। ये क्वेश्चन जो है आपका रोशनी बुक से लिया गया है, इसमें मार्फा की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए, तो इसमें मार्फा आप लोग किस तरह लिखेंगे, इसमें मार्फा या फिर इसमें खास। इसमें मार्फा वह इसमें है जिससे किसी खास शख्स या फिर खास चीज के बारे में पता चले, ठीक है, या फिर खास शख्स के बारे में पता चले उसे हम लोग इसमें मार्फा कहते हैं। ठीक है, जैसे हामिद, महमूद, पटना, गंगा वगैरह वगैरह, इस तरह से आप लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी की, तो आप लोग लिख लीजिएगा फारसी जुबान में शायरी की, किस जुबान में, तो फारसी जुबान में इन्होंने शायरी की थी। फेल की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए, माँ मिसाल कीजिए, तो फेल का मानी होता है काम, जिससे किसी काम का करना या होना पता चले उसको हम लोग फेल कहते हैं यानी काम कहते हैं, जैसे खाना पीना उठना बैठना लिखना पढ़ना, ये सब आपका फेल में आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का टोटल और 2 नंबर वाला क्वेश्चन कवर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए, दरअसल उनवानत में से किसी एक पर मजमून लिखिए, कुतुब खाना, लाइब्रेरी, गर्मी का मौसम, हमारा मुल्क, तो इस तरह से आपको किसी पे भी आता है मजमून यानी निबंध लिख लीजिएगा। फिर जो है आपको आपके आपके जो है जांच सालगिरह, इस पे आपके जो है चचा ने सालगिरह पर आपके लिए तोहफा भेजा है, एक खत लिखकर जो है उनका शुक्रिया अदा कीजिए, आपको खत लिखने के लिए आता ही है उसको लिख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हालात जिंदगी पर रोशन डाल देना है। नज़्म बिजली का खंबा का खुलासा अपनी जुबान में लिख लेना है। दरअसल अल्फाज में किसी 5 की जमा लिखना है, तो मैं जमा बता दे रहा हूँ, किताब की जमा होती है कुतुब, किताब की जमा होती है कुतुब, कायदा की जमा होती है कवायद, मुल्क की जमा होती है मुमालिक, जरूरत की जमा होती है जरूरियात, फिक्र की जमा होती है अफकार, और मस्जिद की जमा होती है मसाजिद, आलम की जमा होती है आलिम की जमा होती है ओलमा, या फिर आलिम की जमा ओलमा ही दे सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद दवा की जमा अदविया, हकीकत की जमा हकाइक,
जौहर की जमा जवाहरात, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया और सारे क्वेश्चन और आंसर को पूरा फुल्ली सॉल्यूशन कर लिए। इसी तरह अगर आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट बना हुआ रहता है तो नेक्स्ट जैसे जैसे मंथली एग्जाम होगी सारी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इसी चैनल पे सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर यहां तक अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, बताइएगा कैसा आप लोगों को लगा आज की ये क्लास, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जो बच्चे कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं, कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आज ही आप लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए एएस उर्दू एजुकेशन नाम से, या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9508214760। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय जय।